दसना आज चेक करिए कोई जैसे कि केड़ा सब कुछ ज्यादा पीर साहब ने ना मुखलिस है। मैं जो निम ना दरख्त है उतो अंब लाइए निम ना दरख्त अंब मिल सन निम ना कौड़ा दरख्त हमारे उस कोड़े दरख्त ना अंब ना होना मुहाल है मुश्किल है। उगे तो पीर साहब दस्या तकिया कोई अंब नहीं फौरी तौर मुड़ता जाए पीर साहब उत कोई अंब नहीं है उस बूटे ना वो जिसकी ज्यादा चाह है सा जिस रूहानियत पाई सी वो गया ऊपर एक एक टहनी की टटोलिया सारे दरख्त की लौड़ना रहा एक एक टाली की लौड़ना लौड़ने तो बाद अंब नहीं मिलया वापस अच्छा हजूर तुसा बाया सच सही लेकिन असने अख नहीं तकी सकी कि वह अंब असल तक देखो अल्फाज दादा फिर भी पीर साहब की मुजरम नहीं ठहराया अपने आप की मुजरम ठहराया हजूर असने अख नहीं तकी सकी तुसा दस्या सी जेड़ा कुछ सच दस्या सी असने अख नहीं दौड़ी सकी हो मैं बड़ी कोशिश की लौड़ने नहीं लेकिन मिकी लब्भा ही कोई माड़ी अख च कमजोरी है तुसने बारे में कमजोरी कोई नहीं ऐ अदब है ऐ जे लोग फिर मंजिला भी पाने कि पीर साहब की गलत ना आख्या जाए अपने आप की कि असा भी गलतियां हो सकती हैं असा सही उसकी चीज की ना एक्सेप्ट ना करने पे उसने पर अमल ना करने पे असन कमजोरी हो सकती है। देखो देखो जिस कदर वो बंदा करीब सी उसकी किस कदर मंजरा बनी इस सबक सारे वास्ते कि किस कदर करीब होने हो किस कदर वो बरकत समेटने हो कि पीर साहब अगर मरी भी जाए नमाज रखना असल संग होई सकना तू परेशान कौन जुमला हो लेकिन मरना है असल कदों मरना है सवेर हो सी ना हो सी कल रोजा तोड़ चढ़ सी ना रोज चढ़ सी अल्लाह तबारक व तआला जो जिंदगी ने साफ लिखे ना असल दिल नहीं ये दुआ है जो जिंदगी ने साफ लिखे अल्लाह तआला इबादत रियाजत मोहब्बत रसूल सलाम की ईमान वो बसर करने की तौफीक हर बंदे वास्ते यही दुआ है। और हर रात की इस तरह समझो कि उनमें सेसा हो सकना सुबह उठना नसीब हो सके ना उसे हो सकना इससे नींद भी मैं अल्लाह की प्यारा हो गया हर रात की जिंदगी ने आखिरी रात सबर करो हर दिन की जिंदगी ने आखिरी दिन सबर करो कि ये दिन जरा मुझे मिलया ना इसकी मैं जाया नहीं करना इबादत भी दिन गुजरे माड़ा कि मैं पहला सारी जिंदगी गलतियां में रहा गुनाहों में रहा फजूल वक्त गुजारना रहा मेरा अगर पैमाना देखा जाए नेकियां और बदियां ना तो माड़े अमाल नेकियां कम और बुराइयां ज्यादा इस हाल जगह मौत आई जाए तो जैसे मैदान पर एक साइड पर नेकियां रखी जा सकता एक साइड पर बदियां रखी जा सकता अगर बदियां ना पलड़ा भारी हो गया तो माड़ा ठिकाना क्या हो सी ये सोच होनी चाहिए कोई भी काम करो ना ये सोचते इस काम नहीं वजह तुम्हें कि नेकी मिल सी या बदी मिल सी इस काम तो अल्लाह नाराज है या राजी है आई तू बात बात ये जहन करो तो कोई भी काम करो फकत थोड़ी देर बस है अखा बंद करी दे बेशक तसव्वुरात विच जाई दे सोचो कि ये मेरा काम करना पिया इस तुम्हारा अल्लाह राजी है या नाराज है अगर नाराज है तो बेशक लखा ना भी उसे फायदा मिलता है प्रॉफिट लखा नहीं प्रॉफिट नहीं मैं कर मेरा रब नाराज होगी तो मैं दुनिया की राजी करें या अपने पेट की राजी करने की कोशिश कर सकूं तो इस साल जब मैं मौत आएगी तो फिर मैं क्या अल्लाह ने बाहर जाकर क्या हिसाब दे सकूं याद रखो माल और दौलत की हवस इंसान की बड़े दूर तक ऊंचाई छोड़ती है हदीस पाक की इशना कि मैदान माशर जी का जब अल्लाह ने बाहर गए पेश होने ने हवाले नाल आज बंदा पेश हो सी बड़े बड़े सहाबाए किराम तिनका हाथ विच के नहीं तो बड़ी हसरत न फरमाने के अल्लाह काश में ए दिन का होना मैं उमर ना होना तो मेरे फारूक रह दिया इस तिनके को सवाल नहीं हो सी माड़े को सवाल पूछे जैसे कि तू क्या कह के था इतनी जलील कदर सहाबी
जिसने मतलब कि मगर मेरे बाद कोई नबी होना तो हजरत उमर फारूक होने, उस शख्सियत में अल्लाह ने इतना खौफ खुदा है, अल्लाह ने बारगाह पेश होने में इतना डर है। असम कितने गुनाह करने हैं, कितनी गलतियां करने हैं, जरा बराबर बिठा याद रखो, इस दारे फानी तो असम कूच करना है, अल्लाह ने बारगाह पेश होना, हिसाब देना। हदीसे पाक इसना कि बंदा बगल विच मंगने वाला पैमाना पाया उसी से, हथे विच सोटी उसी, सिरा पर टोपी उसी, पैर जुत्ती नहीं होने लगी, फटे पुराने कपड़े लाए सन, उससे मैदान माशरे जैसी ना अल्लाह ताला ने दा दे सन, आवाज दे सन, एल मैशर की हुक्म उसी के सारे इस बंदे ने इस्तकबाल करो, मंगने वाला बंदा अल्लाह ने बारगाह चाहिए ना सजदा कर सी, दत बार बदर फरमासन कि मैं तोड़े तो राजी हूं, ऐ बंदे तू दस तू भी राजी है या नहीं, अल्लाह पूछी उस बंदे को तू भी राजी है या नहीं, वो बंदा सी मैं मखलूक हाँ, ऐ अल्लाह तू खालिक है, माड़ी क्या मजाल है, फरमाया कि मैं तो की थोड़ा रिस्क दर पर लिखिया मंगने आना सी बंदा, ये जरा तू मैं रिस्क दिता सी, क्या इस जब मैं रिस्क तेरा नसीब लिखिया सी इस तू राजी है, तू वासी है अल्लाह तू पालनहार है, जिस तरह से थोड़ा नसीब माड़ा नसीब सी वो भी मिलिया सी, ए अल्लाह मैं राजी हाँ, मैं इस तू खुश कि इस हाल में तू तू हमारे पर राजी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उस हाल में भी शुक्र अदा करना है तेरी तेरी इबादत करना है, तो मैं तू उस हाल में जी रही तो माड़ा हक अदा किया माड़ी इबादत करना है, हूँ थोड़े वास्ते हुक्म है कि जा तू जन्नत जिस दरवाजे तू चाहे जन्नत चला जा, हूँ जरा गौर न समात करो दरवाजे को खलसी न जा सी अंदर नहीं जा रहा रुकी जा सी, अल्लाह तरफ निदा इसी बंदे क्यों अंदर नहीं जाना पाया, मैं अल्लाह मेरी शर्म अशनी है, मैं तो लाजन जिन्हें टुकड़े पर मैं पलना रहा वो इतना मैदान माशे च रोवान, एहसान फरमोश नहीं सी, एहसान भुलने वाला नहीं सी, अल्लाह वो बंदे इतने रोवान तो मैं मैदान जन्नत चला जा, उस टाइम अल्लाह तआला फरमासन ए बंदे तू जा जिस तू की एक दिरम देता है, कपड़े ने एक पारचा देता है, रोटी ने एक टुकड़ा भी देता है, जा सारे की गठिया करी तो जन्नत की नहीं खा, हदीसे पाक इसने कि उसने वैसे बुराक मंगवाया जैसी वो मैदान माशरे फिर से सारे की गठिया करी अजारा नहीं माने थे सारे पूरा जलूस देना थी फिर से, उस टाइम जिसने वो जन्नत जैसी अमीर जड़े बंदे सन और सन सरकार फरमाने वासन काश असा इस फकीर ने तरह होने इस को असा भी को नहीं लिया असा तो इस फसी गया, काश इस फकीर ने तरह असा होने और असा आज कामयाब हो जाए, उस टाइम जड़े अमीर तरीन बंदे हो सब थे वो ये अर्ज कर सन पेश कर सन ख्वाहिश जाहिर कर सन, याद रखो जिसको जितना माल ज्यादा उसी उसकी ज्यादा पुरसे हो सी, असा तरह तरह ने खाने खाने हाँ बस वो इन जड़ फाके कशी कर रहे अस हर एक चीज की खाई तो अल्लाह ने बारगाह फिर उसने शुक्र अदा करो, ए अल्लाह सा इस काबिल कोई कोई ना तेरा करम इतना कि तू इतने सके ये इनाम अता फरमाया इतने दूर कसम की पहुंचाई देते रिस्क लिखिया तो अल्लाह तबारक व तआला शुक्र अदा करो, उन आखिरी अल्फाज और गौस पाक ने क्योंकि कादरी और सारे आबाब अल्लाह ना रिस्क खाई ते अल्लाह की याद ना करे अल्लाह की इबादत ना करे अल्लाह तआला उसकी नफरत कर दे, जरा रिस्क खाई तो अल्लाह ने इबादत नहीं करना अल्लाह उसने ना नफरत करे, अल्लाह अगर नफरत करना तो बंदा कामयाब ही नहीं, नाकाम ही नाकाम है, खसारा ही खसारा,
फिर ताई तो बेसमोनिया होनी औलाद ना फरमान हो जानी है तरह तरह दिन नौस्तान घर पड़ी पी जानी है देखो ना हर घर भी परेशानी इस वजह तो यही है कि अल्लाह के असर नाराज किए अस कम ना करने जिस वजह तो अल्लाह तला रसूल राजी हो उन्हें तो दूर रहने तो फरमाया जड़ा बंदा खाए अल्लाह ना रिज्क अल्लाह ने रिज्क खाने तो बाद शुक्र भी करे तो अल्लाह ने इबादत भी करे यार यार तेरा लख लख शुक्र है तू ये माड़ी नसीबी जितने अच्छे खाने रखे अल्लाह तबारक व तआला ने बार गए फिर इबादत करे खाई थे तो खुदा तबारक व तआला फरमाने कि अल्लाह तआला उसने मोहब्बत कर दे हुन असा की चाहिदा कि असा केड़े सिफत च होवां अल्लाह ने महबूब बंदे बना या अल्लाह ने मबूज बंदे बना जो तू अल्लाह तआला बूज कर दे अल्लाह तबारक व तआला नफरत कर दे और खुद सोचो कि अस कि लिस्ट च रहना चाहते हैं गौस पाक ने फरामीन पर अमल करने वाला बंदा वही कामयाब है वही कामयाब कादरी है कोशिश करो इस तरीके ना जिंदगी बसर करो ताकि अल्हम्दुलिल्लाह असल की फख्र होवे कि असने मुरीदीन अलकया बाप किस जोक न जिंदगी बसर करने पे कि असा इत पाकिस्तान अपने आस्थाने में बैठे अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें वही तसलसल जारी रखे है 15 दिन बाद हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत नाल जिक्र पाक करते हैं उस सिलसिले की जारी रखे आने महीने तो बाद बाकायदा मीटिंग होनी है भी उन्होंने आपस से इतफाक रखे आने आपस से एक लड़ाई झगड़ा दुए त्रिए फसादात अल्लाह माफ फरमा इन्हें तो बहुत बड़ी कल आजमाइश परेशानी में मुबतला हो सब तो बड़ा खसारे वाला बंदा वो सी कि जरा इतनिया बड़िया नेकियां खड़ सी और मैदान माशरी सरकार खुद अभी से पाक है सरकार फरमाने के ऐ सहाबा मेरी उम्मत ना सब तो बड़ा गरीब बंदा केड़ा फरमाया या रसूल अल्लाह वो ही है ऐसे नजर ते वो ही है जिसने को माल दौलत पैसा काट है फरमाया नहीं मेरी उम्मत ना सब तो बड़ा गरीब वो बंदा जरा पहाड़ा नहीं माने को नेकियां खड़सी मैदान माशे बहुत ज्यादा नेकियां हो सब ना काट हो सब नेकियां ज्यादा हो सब थोड़ी देर उसे तो उसने एक भरा आई जैसी ऐ अल्लाह माड़ी माड़ा इस हक कि खादा सी माड़ी जायदाद पर कब्जा करी गिंदा सी या जो भी हक खादा सी या पैसा खादा सी या जो जिस तरीके नाल उस अगर जिंदगी जो कोई उसने हक खादा सी ऐ अल्लाह मैं हक चाहना अल्लाह तआला फिर हक किस दिलासा उसनियां नेकियां जो नेकियां चुकी तो दे सन ऐ किन हक उन नेकियां इत्थे तोड़े वो माल खादा सी दुनिया विच उन इत्थे तो बदला यह है कि इसने नेकियां तो गिनी थोड़ी नेकियां उसकी मिली जा सकती दुआ बंदा आई जैसी पैर आई जैसी इस उनकी तकलीफ हो जाए सी गाली दी सी या माड़ी गीबत की सी कोई भी किसे पॉइंट से अकू को लिबाद ने हवाले ना किसे की या पड़ोसी ने हवाले ना वो आई जैसी अगर थोड़ा थोड़ा करने करने उसने सारियां नेकियां खत्म हो जा सकती अगर एक रुपया भी किसी ने बगैर इजाजत तो चुराया उसी ना उसने भी हक दिलाया जा सी अत्ता के यहां इत तक शरीयत पाक में हुक्म है एक माचिस नी तीली भी अगर बगैर इजाजत तो सामने पाई नहीं इस्तेमाल करो तो उसने पुरस जो सी उसकी अगर माफ नहीं कराया उसने पुरस जो सी तो लखन साहब ने अल्लाह माफ फरमा परवाह तक ना इल्ला माशाल्लाह याद रखो फिर फरमाने कि अगर फिर भी हकूक अजे बाकी हो सक हकदार अजे बाकी हो सक अल्लाह तबारक व तआला इस तरह कर सके उसनिया गुनाहों में उसने गुनाह की कम करी तो उसने गुनाह हो सके जरा वो पहाड़ा नहीं माने गुनाह नेकियां खड़सी ना नेकियां खत्म हो गई गुनाह में ज्यादा इजाफा हो गया फिर सारे गुनाह किनी तो जन्नत में आग में चला जाए अस्तगफिर फरमाया मेरी उम्मत का सब तो बड़ा गरीब होगा